ये वाला पहाड़ देखो, ये एग्जैक्टली मून की तरह दिख रहा है। पलटो कभी ना पलटो भाई साहब, ये तो दिख ही नहीं रहा। हैवी सीन, पूरा ब्लैक पानी। मॉर्निंग गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम खा विलेज। पिछले चार दिनों से हम लोग इसी विलेज में थे। मिर्जापुर का डायलॉग तो सुनाई होगा, शुरुआत मजबूरी में की थी, बाद में मजा आने लगा। तो वही बात हो गया हमारे साथ भी। यहाँ पे रुके हम मजबूरी में थे शुरू के दो दिन, लेकिन बाकी के दो दिन तो हमें मजा आने लगा। तो पिछले चार दिन से हम इसी कैफे लाउंज में रुके हुए हैं। काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है, जबरदस्त हॉस्पिटैलिटी। कभी भी आप इस रास्ते में हो तो जरूर यहाँ मैगी खाना, भैया से बात करना, आपको बात करने में बहुत मजा आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये, और जो एक्सपीरियंस होगा वो सच में आपको देखने लायक होगा। तो इसी बेहतरीन कैफे से शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मैं हूं अंकित। मैं हूं बीस्ट। और आप देख रहे हैं इससे पहले कि हम यहाँ से निकले, आपको दिखा दे कुछ बेहतरीन शॉट्स इसी पीसफुल हैपनिंग और बहुत ही एंटरटेनिंग से कैफे की। तो आप उस पीसफुल शॉट्स को एंजॉय करो और हम फटाफट करते हैं अपनी बाइक्स को रेडी और निकलते हैं अपने राइड पे। मिलेंगे आपसे सीधे मोटर व्लॉग पे। विंटर में तो जरूर मिलेंगे। ओके मिलेंगे। मारे आई विल मिस यू। हर हर महादेव। ठीक है राकेश भाई, मिलते हैं, टेक केयर। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, हम बहुत मजा आ रहा है और अभी आएगा। मिलते हैं विंटर स्पीति साथ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तो भैया गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम खा डोगरी। गुड मॉर्निंग तो ऐसे इससे पहले हो ही चुकी है, बट मोटो ब्लॉग में आता हूँ तो कर ही लेता हूँ। हाँ जी, तो ये था वो दर्दनाक मंजर जो चार दिन पहले हुआ था। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ से नाको की ओर। नाको यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो परसों जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद चार दिन हो चुके, बट ये अभी तक इसे साफ किया जा रहा है। इतनी बुरी हालात थी यहाँ पे, आप देख सकते हो वहाँ पे कितना ज्यादा मलबा गिरा हुआ है। नाको अभी भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे, ये देख लो। ओहो हो, हर कट पे यहाँ पे नज़ारे इतने प्यारे प्यारे हो जा रहे हैं ना कि बता नहीं सकता। ये देख लो सामने। ऐसा है कि कल हम शाम में भैया के साथ नाको आए, भैया की गाड़ी में मस्त एकदम। हम शाम में 6 बजे निकले, 8:30 तक हम वापस आए। मैंने एक टोपी भी लिया, आप लोगों को दिखाऊंगा। इतना कल मजा आया था ना, और जो शाम का कल का व्यू था, दैट वॉज सो मेसमराइजिंग। वो रहा नाको बस। तो आप ऐसा करिए कि हम पहुंचते हैं नाको के थोड़ा सा आगे, तब तक आप नाको के सारे नज़ारों का आनंद लीजिए जो हमने कल शाम में रिकॉर्ड करे थे, क्योंकि भैया शाम के जो कल के नज़ारे हो रखे थे, आप खुद ही जाओ। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं पल दो पल। हम जा रहे हैं नाको से आगे और अभी आएगा चांगो, लेकिन जो ये स्टीप चढ़ाई है ये देखो भाई, बंदा 3 फ्लोर ऊपर है। ओह शिट,
वो वहाँ बादल नहीं होते तो आप लोगों को दिख रहा होता, वहाँ पे पूरा स्नो माउंटेन है, वो स्नो पीक भी नहीं है, दैट इज स्नो माउंटेन। अमेजिंग लैंडस्केप्स मैन। मेरे को लगता है दिस इज द मून लैंड ऑफ स्पिति। ये पहाड़ देख रहे हो कैसा अलग सा लग रहा है एकदम। नहीं नहीं नहीं, दिस इज मून लैंड ब्रो। फोटो लेना तो बनता है इसका, रोकना किसी अच्छे स्पॉट पे। ये एक कट पे ही क्या नज़ारा बदला है भाई साहब। और ये फोटोज देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। जाइए जाइए, क्या कर रहे हैं, फटाफट फॉलो करिए, देख रहे हो पोज। ये वाला पहाड़ देखो, ये एग्जैक्टली मून की तरह दिख रहा है। लद्दाख में भी ऐसा है, लामा यूरू के पास, बहुत बड़े एरिया में वो है। ये है हिमाचल का स्पिति का मून लैंड। ये गजब का ही स्ट्रक्चर है, लग रहा बालू है। तो फाइनली उतने सारे बुरे पैचेस और लूप्स को खत्म करने के बाद हम नीचे उतर चुके हैं और हम आ गए हैं चांगो। ओहो, कितनी ज्यादा ग्रीनरी है इधर तो। और ये जितनी भी ग्रीनरी है, ये सारी एप्पल ट्रीज है सारी। हाँ भैया, रोड अच्छे हो गए, सुकून आ गया जीवन में। ये देखो स्पिति रिवर, ये वैली देखो। ओह शिट, ओहो, ये जो 4 दिन पहले के डिजास्टर ने कारनामा किया ना, इस वजह से रोड कंडीशन ऐसे है। ओहो, अमेजिंग, पूरा का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया पहाड़ वहाड़ के साथ। तो सुमदो चेक पोस्ट पर हमने एंट्री कराई और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे सुमदो, आपको एक मिलेगा आमी कैफ़े, जिसपे आप बस समोसे जलेबी चाय का आनंद ले सकते हो, और हमने वही किया। और उसके बाद अब हम बढ़ गए एकदम बढ़िया बढ़िया नज़ारों की तरफ। तो अभी जो हमारा पहला डेस्टिनेशन जहाँ पे अभी हम पहुँचेंगे, दैट विल बी ग्यू मॉनेस्ट्री। और अल्टीमेट नज़ारा, ये रोड थोड़ा सा ऐसा श्रिंक कर गया स्पिति आते ही, ऐसा कैसे हो गया, बट द व्यू इज़ अमेजिंग। वर्षा शालिका ग्यू नाला, ग्यू टेम्पल, वेल प्रिजर्व 500 ईयर ओल्ड मम्मी। तो ये है ग्यू विलेज जाने का रास्ता, वेलकम टू ग्यू मॉनेस्ट्री। ओ भाई, ये पानी एकदम काला है राइट साइड, भाई साहब पूरा ब्लैक है भाई, पूरा ब्लैक पानी भाई, काले पहाड़ है पूरे, काले पहाड़। देखो इधर थोड़ा सा पानी का शेड ना लाइट हुआ है। तो जो भी ग्यू मॉनेस्ट्री विजिट करने आ रहे हो, 30 रुपीज पर पर्सन यहाँ पे टिकट काउंटर है, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है। ओ हो, क्या लैंडस्केप है भाई। सो पहुंच गए हैं हम लोग ग्यू मॉनेस्ट्री। ये पीछे एक नया बिल्डिंग बन रहा है ग्यू मॉनेस्ट्री का, एंड दिस इज द छोटा सा टेम्पल आपको दिख रहा है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे जो 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी है वो रखी गई है। ये तो एक अजूबा है। हाँ। एक वैसे मनुष्य का जो शरीर है, हमारा जो जब सांस त्याग देने के बाद 1-2 साल के बाद आपका कीड़ा पड़ जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, मगर ये तो बिल्कुल नेचुरल जैसे लग रहा है। अभी तो आपने देख ही लिया सब कुछ, सारे नज़ारे और 600 साल पुरानी मम्मी को, लेकिन जहाँ पे मॉनेस्ट्री बना हुआ है कोई जवाब नहीं है इसका। और ये विलेज इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर कि नो डाउट। सो यहाँ से वही 15 किलोमीटर अभी हम बाहर निकलेंगे और फिर सेम रूट को हम फॉलो करने वाले हैं। लेकिन ये जो सामने वाले नज़ारे हैं, ओह कातिलाना अलग सीन। तो थोड़ा सा मौसम रूप बदलता हुआ अपना, और इस वजह से विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा होने लग गया, और धूल तो है इस रास्ते पे भाई साहब, ये तो दिख ही नहीं रहा। हैवी सीन, गजब। पत्थर गिर रहे हैं,
भाई साहब छोटे छोटे शूटिंग स्टोन्स की तरह तो गिर रहे हैं, कुछ बड़ा ना गिरे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फक रास्ता ही नहीं दिख रहा, बस बारिश भी चालू हो गई, पूरा एडवेंचर हो गया, डर का माहौल बना हुआ है। हर हर महादेव। बस बस महादेव, सबकी रक्षा करना। जो भी हुआ अभी 2 मिनट पहले 10 मिनट पहले, एडवेंचर तो ज़िंदगी में होते रहता है, लेकिन ये जो नज़ारे हैं देखो, रोड तो है डेंजरस नो डाउट, लेकिन क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, देख रहे हो। और ऐसे चढ़ाई स्टीप है। अभी जो 10 मिनट पहले मंज़र हुआ तो अब थोड़ा ज़्यादा ही डर लग रहा, वरना सुबह से बहुत कैजुअल थे, मस्त चल रहे थे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही धुक हो गया। चंडीगढ़ विलेज नाम था इसका। वैसा पूरा बड़ा वास्ट लैंड है और चारों तरफ पहाड़ है, और जो आगे का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं ज़िंदगी में और कितना एडवेंचर बचा हुआ है और इस ट्रिप पे। आगे यहाँ से 15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, ताबो पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। ये ताबो, और पता नहीं अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज है क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, लेट्स सी। सो हम लोग पहुँच गए थे ताबो, काजा नहीं जा पाए ड्यू टू बैड वेदर, तो ताबो में रुक रहे हैं। और अभी अचानक से सब तैयार होकर निकल गए हैं ताबो को एक्सप्लोर करने, लेट्स सी कैसा रहता नहीं रहता है। लेट्स शो यू समथिंग वी कैन फाउंड। भैया पीछे ताबो सिटी है, और जिनका सिनेमैटिक शॉट बन रहा है, मैं हूँ अंकित वाले अंकित भैया, उनका बस लग गया। चढ़ाई बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन अभी जो शॉट आने वाला है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक मजेदार है। तो इंतजार कीजिए, 3 2 1। ताबो के इन बेहतरीन नज़ारों से करते हैं इस वीडियो को खत्म। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।